बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वानिया यूसुफ़। कैसे हैं आप सब लोग? मैं कितने दिन बाद अपना व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। मैंने कहा आप लोगों के साथ हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं शिफ्टिंग कर रही हूं, किस तरह सामान जाया जा रहा है, क्या क्या मुश्किलात आती हैं शिफ्टिंग करने में। लेकिन मैं नहीं कर सकी क्योंकि मैंने वक्त से पहले ही शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि जो मेरे मकान मालिक थे उन्होंने पानी बंद कर दिया। ज़ाहिर है पानी बंद कर दिया तो सारे पानी से सर्ज, किचन भी पानी से चलता है, वॉशरूम वगैरह भी पानी में पानी वहाँ भी यूज़ होता है, हर तरह। फिर हमने रातों रात शिफ्ट करना पड़ा। मैंने बहुत, मेरा बहुत दिल दुखा बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने अपनी ज़ारिश गिले शिकवे मैंने अपने अल्लाह पे छोड़ दिए। मेरा इंसाफ, वो कहते ना मुझे अल्लाह मियाँ देगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मैं नए मालिक मकान है उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है, जितनी तारीफ़ की जाए। तो मेरा ये लास्ट डे का व्लॉग रिकॉर्ड हुआ हुआ था, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब ये सुबह का टाइम है, ये मेरा लास्ट डे उस मकान में। सुबह का टाइम एकदम के लिए मैं सैंडविच रेडी कर रही हूँ एग और ब्रेड के साथ। ये कभी जिस मर्ज़ी जिस बर्तन में जिस प्लेट में इसका दिल चाहे उसमें अपना ब्रेड रख देता है। अब ये 7:20 हो रहे हैं, 7:20 पे इसकी वैन आती है, तो इसकी वैन के बाद अब मैं चले गए। खाला की बेटी आई थी कदम के साथ, थोड़ा बाहर गई शॉप पे, इजी बैठा कि शॉप पे कुछ पैसे कलेक्ट करने थे, और फिर हम यहाँ से बाहर निकले। सामने चिकन की शॉप थी, वहाँ से हमने लिए चिकन, ली लेग पीस ली और चिकन ली। हमने कहा चलें थोड़ा सा खाना वाना बनाना है, अभी तो टाइम है, थोड़ी जो काम हम निपटाने वो निपटा लें। फिर यहाँ पे स्टेशनरी की शॉप पे रोज़ मामूल का काम है मिकदाम की, रोज़ पेंसिल रेजर तो खो ही जाते हैं, तो मैंने कहा चलें यहाँ से कुछ। उसको एक्टिविटी मिली हुई थी आइसक्रीम स्टिक से, कुछ बनाना था, आइसक्रीम स्टिक ली, परचेज़ की और उसके लिए रेज़र लिए। और मैंने कहा अब आप लोगों के साथ साथ शेयर करती चलूँ। लास्ट डे का व्लॉग था लेकिन मैं नहीं डाल सकी, आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकी क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। फिर नए घर में शिफ्टिंग करना, कितना ज़्यादा काम होते हैं। मुझे तो अभी फुल सपोर्ट थी मेरे मेके की, मेरे घर से अम्मी भाई भाभी कज़ने सब आ गए, क्योंकि अकेले काम करना इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था। फिर हमने यहाँ ली सब्जी वाली दुकान में हमने ली आलू प्याज टमाटर। हमने कहा अभी ले लें, अभी थोड़ा हमने शिफ्ट होना है, मुझे क्या पता कि अगला वक्त के क्या होता है। फिर भाजी ने मोबाइल का पैकेज ख़त्म था, भाजी ने मोबाइल का पैकेज करवाया। उसके बाद इतनी गर्मी लगी, वो कहते हैं रेस्टोरेंट से जूस कोल्ड ड्रिंक तो सब पीते रहते हैं, आज ठेले वाला तरबूज का शरबत हमने ट्राई किया। इतनी सख्त गर्मी थी लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया ठेले वाला तरबूज का शरबत पी के। फिर उसके बाद हम घर आए, अभी तक हमें कोई पता नहीं था कि हमने शिफ्ट करना है, आज रात को हमने शिफ्ट करना है, क्योंकि मामूल के मुताबिक मैं किचन का काम कर रही हूँ, खाना वाना बना रही हूँ। मैंने लस्सी बनाई, एक से आधा कप दूध पड़ा था वो मैंने डाला, दही डाली, और मैं लस्सी में ये शक्कर यूज़ करती हूँ, शक्कर इनके पापा ले आए थे तो मैं शक्कर यूज़ करती हूँ, 3 से 4 चम्मच डाल देती हूँ, इनफ होती है मीठे में, और क्योंकि ये अच्छी होती है, डाइट के लिए भी अच्छी होती है लेकिन अच्छी लगती है मुझे। और ये शक्कर डाली, शक्कर मैंने इस तरह एयर टाइट जार जो है ना टॉफ़ीज़ का जार था, तो टॉफ़ीज़ खाली हुई थी तो मैंने उसके अंदर भर के रख दिया था। और मैंने आइस क्यूब डालूंगी, आइस क्यूब डाल के, और फिर मिकदाम बाहर से जूस लेकर आया था, मामा मुझे इस वाले जूस में डाल के देना, मैंने उसका जो लस्सी है उसमें फिल कर रही हूँ, और बाकी अपने स्टील के गिलास। तो ये देखें अब हम पियेंगे लस्सी, साथ मैंने बनाई थी भिंडी। खाना वाना खा रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, आए आम भी खाना खाते हैं, भिंडी साथ लस्सी और साथ मेरे रोटी बनाए। उसके बाद हम गए घर, गए न्यू घर में सफाई वगैरह की, और जहाँ मैं कोई काम करूँ वहाँ मिकदाम टांग ना अड़ाए तो ऐसा हो नहीं सकता, तो यहाँ मिकदाम भी सफाई कर रहा है घर की, फर्श धुलवाने में मेरी मदद कर रहा है। अब हमें नहीं पता कि अगला लम्हा हमारे लिए क्या होता है। थोड़ा सा सामान हम लोग लेकर आए, शिफ्ट किया हमने सफाई करने के बाद, जो छोटे मोटे कॉटन वगैरह थे जिसमें छोटा मोटा सामान था जो हम लेकर आ सकते थे, वो हमने एक ऑटो किया वो हम ले आए। और ये मेरा डिनर सेट है, ये हमने ये पैक किया, सारे इसी तरह सामान कार्टन्स में पैक किया क्योंकि इतना ज़्यादा दूर नहीं था। अभी भी घर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करीब ही मिला है। ये देखें सारा सामान इसी तरह इन्हीं कार्टन्स में पैक किया, तो ये देखेंगे न्यू घर में थोड़ा से कार्टन्स आ गए। अब इन कार्टन्स के आने के बाद वो कहते हैं ना वक्त क्या पलटी खाता है कोई पता नहीं। अब जब हमने दूसरा सामान लोड किया फर्नीचर वगैरह, तो
तो उन्होंने पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया तो पानी से तो सारा काम होता है। तो उसके बाद फिर मैंने फ़ोन किया, अब मेरे हस्बैंड ने कहा चलो अब उठाओ किचन का सामान, रातों रात शिफ्ट हो जाए, देखिए अब सारी कबर्ड खाली कर दी, अब ये सामान लोड होना था। अब जैसे ही उन्होंने देखा भाई सामान लोड होगा ना, सामान के साथ हम पानी तो नहीं ले जाएंगे ना, पानी लेकर भी यूज़ भी करेंगे तो हमने सारा पानी का पे किया हुआ था, लेकिन अल्लाह हदायत देना भाई, मैंने अपना फैसला अपने अल्लाह पर छोड़ दिया। बस आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।